हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेडोमोल पेडियाट्रिक ड्रॉप के बारे में। जिस तरह कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये एक पैरासीटामोल पेडियाट्रिक ड्रॉप है, यानी कि ये बच्चों के लिए है। ड्रॉप जो होती है वो बच्चों के लिए होती है, मतलब ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के हैं, तो उन सब के लिए कोई भी दवा हो तो वो ड्रॉप के रूप में ही आता है। तो उसी से रिलेटेड मेडमोल है, जो पैरासीटामोल है इसमें मिला हुआ, यानी कि ये बुखार के लिए है। जिस बच्चे को बुखार आता है तो उसे ये दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसका डोज़ किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि 0 से 3 मंथ का जो बच्चा होगा उसे 0.5 ml दिया जाएगा, और 4 से 11 मंथ का जो बच्चा होगा वो 1.0 ml दिया जाएगा। 12 से 23 मंथ के बीच, यानी कि 1 साल के ऊपर हो तो उसे 1.5 ml दिया जाएगा, और 24 से 36 महीना के बीच जो बच्चे होंगे उसे 2 ml दिया जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है ऑल डोजेज टू बी एडमिनिस्ट्रेड 4 to 6 hourly और एज एडवाइज बाय द फिजिशियन, यानी कि ये जो दवा है हर 4 से 6 घंटे के बाद दी जा सकती है, और या तो फिर इसके लिए आप एडवाइस ले सकते हो किसी फिजिशियन का। तो नीचे भी है कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों से इसे बचा कर रखिए। अगर बच्चे हाथ में लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे और ये उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो फिर इसे दूर रखना है बच्चों से। उसके बाद सेक विल बिफोर यूज़, यानी कि जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो फिर उसे हिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिस तरह की यहाँ लिखा हुआ है ओवरडोज में भी इंजरीज टू द लीवर, यानी कि अगर ओवरडोज में लिया गया तो इसे क्या हो सकता है कि लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये जो ड्रॉप है जो मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो कि 100 mg/ml, यानी कि अगर 1 ml लेंगे तो उसमें 100 mg पैरासीटामोल आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो वैसे ये फिजिशियन सैंपल है ना, तो ये फिजिशियन को दिया जाता है सैंपल, लेकिन इसका मैंने प्राइस 30 रुपया लिख दिया है, यानी कि ये अप्रैक्स मतलब 30 के आसपास आपको ये बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। तो इसे अब ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कि जो ड्रॉप है वो इस तरह की होती है, इसमें मार्किंग क्या हुआ रहता है। जैसे आप देख पा रहे हो 0.25 लिखा हुआ है, 0.5, और इस तरह का 1 ml का ये मार्किंग रहता है। तो ये सुविधा करता है कितना बच्चा को देना है, जैसे 0.5 देना है तो दे सकते हो आप, 1 ml देना हो तो दे सकते हो, अगर 2 ml देना हो तो 1 ml करके 2 बार आप दे सकते हो। तो सेम चीज़ देखिए इसके अंदर भी लिखी हुई है, ये 15 ml का मेरे पास ड्रॉप है और ये बुखार में काम आता है। तो इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।